इन किसानों को पूर्व में रासायनिक खेती में लागत के अनुसार मुनाफा नहीं होता था। ऐसे में जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा के द्वारा जैविक खेती करने की राह दिखाई गई और प्रशिक्षण मिला। फलस्वरूप आत्मविश्वास जगा, अच्छी उपज मिली, उचित मूल्य भी मिल रहा है। आज ये अपने उत्पादों का पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर बेच रहे हैं। हमारे यहाँ परिभ्रमण और प्रशिक्षण के मध्य से किसानों को यहाँ पे परिभ्रमण कराया जाता है, उनके प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक किसान यहाँ पे लाभुक हो और शहर के लोगों को हरी और ताजी सब्जी बिना रासायनिक खाद के इस्तेमाल का उपलब्ध हो पाए। सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए अनुदान दे है। भारत सरकार के द्वारा बहुत ही जन उपयोगी स्कीम ड्रोन के माध्यम से खेती का चलाई जा रही स्टार्ट किया जा रहा है। उसके तहत हमने डिमोस्ट्रेशन के तहत एक गांव में हमने ड्रोन से स्प्रे करवाया जैविक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, 2 एकड़ में हमने स्प्रे करवाया। साथ ही ड्रोन से क्या फ़ायदा है मैं ये संक्षेप में बताना चाहूँगा। ड्रोन जब पौधे के ऊपर क्रॉस करती है, गुजरती है, तो वो पौधे का स्वरूप, पौधे का स्थिति, सारा चीज़ का अवलोकन कर लेती है। साथ ही मिट्टी का पीएच का भी वो रीडिंग करती है। यदि आपके पौधे में कोई बीमारी का प्रकोप हो है या किसी तरह का व्याधि है तो उसका भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए किसानों को बताती है कि आपके पौधे में फलना जगह पे फलना बीमारी फलना कीड़ा लगा हुआ है। इस तदनुसार वो किसान उपयोग करते हैं, कम समय कम लागत में अच्छा मुनाफा लोग कमा सकते हैं और खेती में फायदा इससे हो सकता है। जैविक खेती कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करके बल्कि इसके स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। यह कृषि की पारंपरिक विधि है जिसमें भूमि की उर्वरता में सुधार होता है और उपज अधिक मिलती है। ऑर्गेनिक खेती अभी की आवश्यकता बन चुकी है। इसे आजकल भूत और भविष्य दोनों की खेती कहा जा रहा है। भविष्य की खेती इसलिए कि जितनी भी मनुष्य को शारीरिक समस्याएं हो रही है, बीमारियां फैल रही है, उसका सीधा असर खाद्य पदार्थों में बढ़ते जहर के असर के कारण हो रहा है। कैंसर की समस्या इतनी जितनी बढ़ रही है उसका सीधा कारण है कि खाद्य पदार्थ हमारा जहर युक्त हो रहा है। जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए, स्वादवर्धक खाना मिले तो सब लोग पसंद करता है, जो कि ये ऑर्गेनिक खेती ही दे सकती है। जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए किसान भाई अकेले या समूह के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं। पूर्ण जैविक खेती करने के लिए 3 साल तक खेती करना है जरूरी। किसानों को 1 एकड़ खेत के लिए 11,500 रुपए का अनुदान है। इसके अलावा आप कृषक बंधुओं जैविक खेती का बसोका से मुफ्त में सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आइए जैविक खेती कर नवजल धारा को बचाएं, अपनी आय बढ़ाएं।